प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि कंपनी में सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए किन किन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप से होकर अपॉइंट किया जा सकता है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, उनके अंदर डिफाइन किया गया है सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट है कंपल्सरी अपॉइंटमेंट, तो इससे रिलेटेड सेक्शन 383A में दिया गया है, एवरी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर शैल हैव अ होल टाइम सेक्रेटरी, यानी कि हर एक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल है जो वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको एक होल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा कंपनी में। वेयर ओनली टू डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, जहाँ पर कंपनी में ओनली दो डायरेक्टर्स हैं, नाइदर ऑफ देम शैल बी दी सेक्रेटरी ऑफ दी कंपनी, तो उनमें से कोई भी डायरेक्टर में से कोई भी सेक्रेटरी नहीं बन सकता कंपनी का। सेकेंड है रेजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट, तो रेजोल्यूशन से रिलेटेड दिया गया है सेक्शन 188 में, इफ़ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनीज प्रमोटर और अंडर द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल, द डायरेक्टर्स कन्फर्म द अपॉइंटमेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स आफ्टर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। कई बार जो सेक्रेटरी है वो प्रमोटर्स के द्वारा अपॉइंट कर लिया जाता है, कंपनी तब तक इनकॉर्पोरेट नहीं होती, तभी पहले ही प्रमोटर्स के द्वारा सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया जाता है, या फिर आर्टिकल के प्रोविज़न के अंडर में जब सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है तो डायरेक्टर्स हैं जो कन्फर्मेशन दी जाएगी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंपनी की फर्स्ट मीटिंग में। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें इस अपॉइंटमेंट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थर्ड है द रेजोल्यूशन मस्ट डिफाइन द टर्म्स ऑफ द सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट, तो जो रेजोल्यूशन दिया जाएगा वो कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सभी टर्म्स को डिफाइन करेगा, सेक्रेटरी का स्कोप क्या होगा, ऑपरेशंस का उसकी लिमिटेशन क्या है, रेमुनरेशन पेबल टू हिम। थर्ड पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे रिलेटेड सेक्शन 184 में दिखाया गया है, इफ़ एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज़ एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन एज द कंपनीज सेक्रेटरी ही मस्ट डिस्क्लोज दिस इंटरेस्ट, अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी का उसको सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसका तो उसे ये कंपनी में डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना पर्सनल इंटरेस्ट। अगर कोई डायरेक्टर है वो किसी भी पर्सन को कंपनी में सेक्रेटरी बनाना चाहता है तो उसे अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड वो डिस्क्लोज करना होगा। सच डायरेक्टर शैल नॉट टेक पार्ट ऑफ और कास्ट हिज वोट फॉर द रेजोल्यूशन फॉर द सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट, तो जो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो इस टाइप के डायरेक्टर को कोई टेक पार्ट नहीं कर सकता वो और वोट नहीं डाल सकता कंपनी की मीटिंग में। फोर्थ है एंट्री इन द रजिस्टर सेक्शन 170, ऑल डिटेल्स एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अपॉइंटमेंट मस्ट बी एंटर्ड इन अ रजिस्टर मेंटेन फॉर सच पर्पज़, तो जितनी भी डिटेल होंगी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी सेक्रेटरी से की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो कंपनी के रजिस्टर में एंटर कर दी जाएंगी। इन्फॉर्मेशन टू दी रजिस्ट्रार सेक्शन 170 में ही दिखाया गया, ये भी दी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी सेंड टू दी रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज आफ्टर दी अपॉइंटमेंट इज मेड, जब सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया जाता है तो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो रजिस्ट्रार को सेंड कर दी जाती हैं। दी कंपनी फिल्स अप फॉर्म 32 स्टेटिंग दी डिटेल्स ऑफ दी अपॉइंटमेंट एंड डिलीवर इट टू दी रजिस्ट्रार, और जो कंपनी है वो इसको फिल करेगी फॉर्म नंबर 32 में जो डिटेल मेंटेन करेगा कंपनी की सेक्रेटरी से रिलेटेड और देन उसको डिलीवर कर देगी रजिस्ट्रार के पास। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज अ सेक्रेटरी, कई बार जो डायरेक्टर होता है कंपनी का वो भी कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है, व्हेन द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर इज टू बी अपॉइंटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी इट इज नेसेसरी दैट अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज बेस्ड इन दी पास्ड इन दी कंपनीज जनरल मीटिंग, तो इसके लिए क्या करना होगा अगर कोई डायरेक्टर है जो वो कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहता है या फिर डायरेक्टर्स अपने किसी रिलेटिव को कंपनी का सेक्रेटरी बनाना चाहता है तो इसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होगा।